दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू आर फाइन। बहुत छोटी सी बात है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ए टू जेड, ए टू जेड। तो सबको ही आते होंगे लेटर्स, भाई ऑब्वियसली सबको ही आते होंगे, लेकिन इनका यूज कैसे करते हैं प्रोनंसिएशन में? कई बच्चे जो है ना, स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक करते हैं। तो आपको मैं बताती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इसका क्या मतलब है। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, जैसे कि सपोज आप क बोल रहे हो, क, ठीक है? तो हम हिंदी में क को ऐसे लिखते हैं, ठीक है? और क को हम किस तरीके से स्पेल करते हैं, स्पेलिंग लिखते हैं, के ए, ठीक है, क। और अगर हम ग को लिख रहे हैं, ये सिंपल वाले मैं आपको पहले बता रही हूं, अगर ग को लिखते हैं तो हम लिखते हैं जी ए, ठीक है? और इसी तरीके से न को लिखते हैं तो हम लिखते हैं एन ए, ठीक है? अब हमें ख लिखना है, सपोज ख, तो हम ख को कैसे लिखेंगे? ख को हम लिखेंगे ख, के एच ए, ठीक है? और घा को हम कैसे लिखेंगे? घा को हम लिखेंगे जी एच ए। जब भी हमारा वर्ड घ से शुरू हो रहा है तो जी एच ए से उसकी स्पेलिंग शुरू होगी। इन चीजों को बच्चे अक्सर भूल जाते हैं और स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। आगे ले लेते हैं श, 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 शलगम वाला, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एस एच ए, ठीक है? और अगर हमें च लिखना है, च, तो हमें सी से, सी को हम क से भी प्रोनंसिएट करते हैं और च से भी करते हैं। अब यहाँ पे हमें च लिखना है तो सी एच ए लिखेंगे हम, ठीक है? और अगर हमें छ लिखना है, छ, तो बहुत मोस्टली जो है गलतियां इसी में होती हैं, छ में हम सी डबल एच ए का यूज करते हैं, छ, ठीक है? तो छ में आप देख लीजिए सी डबल एच ए का यूज होता है। अब सपोज आपको क्या करना है, आपको सपोज बोलना है अ, ठीक है? हम इंग्लिश में बोलते हैं अ, तो हम उसको लिखते हैं ए, ठीक है? अ अ बोलते हैं हम उसको, ठीक है? अगर हम इस तरीके से आ भी बोल रहे हैं तो हम इसको ए ही लिखते हैं, ठीक है? और हम इंग्लिश में इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं अ बोल के, ठीक है? अगर हम ई, ई को, ई में बहुत बड़ी लोग गड़बड़ करते हैं, ई को हम आई, आई से स्पेल शुरू करते हैं, आई से उसकी स्पेलिंग शुरू करते हैं। लेकिन जब बड़ी ई का मामला आता है तब हम जो है आई या फिर डबल ई का यूज करते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अगर हम, हमारा जोर ई पे है, यानी हम ज्यादा जोर लगा के बोल रहे हैं, यानी बड़ी ई, समझ गए ना आप, ई से हमारा कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हम उसमें आई या डबल ई का यूज कर सकते हैं, करेंगे, ठीक है? ऊ को हम कैसे लिखते हैं? ऊ को हम यू, यू से हम इसको लिखते हैं, इसे, इसकी स्पेलिंग, कहीं भी अगर हमें ऊ से कुछ बोलना है इंग्लिश में तो अगर उसकी स्पेलिंग लिखनी है तो हम यू लिखेंगे उसमें, ठीक है? ऊ ऊ ऊ यानी कि यू, ठीक है? तो आ हम इसको ऊ से भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, बड़ा ओ। अब यहाँ पे आप देखिए, सपोज हमें ऊ से हमारा कोई वर्ड है तो हम इसमें लिखेंगे या तो यू लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे डबल ओ, ठीक है? ऊ, तो हमारी स्पेलिंग डबल ओ से भी शुरू हो सकती है और यू से भी शुरू हो सकती है। सपोज हमें ए लिखना है, ए ए, तो ए के लिए आई यूज कर देते हैं कई बच्चे, तो हमें ई का यूज करना है, ठीक है? ई से स्पेलिंग, अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन ए से शुरू हो रहा है तो हमें ई का यूज करना है, ठीक है? फिर हमें ए या आई जहां पे आ रहा है तो हमें ए आई का यूज करना है, ठीक है? जैसे ए से वर्ड शुरू है या फिर आई से शुरू है तो वहां पे हम क्या करेंगे, ए या फिर आई से वर्ड शुरू करेंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बच्चे इसमें गलती करते हैं। यहाँ पे ओ, ओ को आप ओ से, बिल्कुल सही समझा आपने, ओ से आप इसकी स्पेलिंग शुरू करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं बड़ी ओ की, सॉरी ये छोटा ओ था, ठीक है? छोटे ओ में ओ का यूज करेंगे। अब बड़ा, अगर हम फोकस लगा के बोल रहे हैं ओ ओ, अगर ओ ओ बोल रहे हैं तो हम ओ का यूज करेंगे, ओ बोल रहे हैं तो हम करेंगे ओ डब्ल्यू का यूज, ठीक है? ओ ओ, ठीक है? अब अगर हम इसकी बात करें अंग, ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं, इसमें मोस्टली बच्चे गड़बड़ करते हैं, अंग में
अंगूर वाले में ये जो आपने बचपन से पढ़ा होगा इसमें जो है हम एन का यूज करते हैं स्पेलिंग में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप इसको यहां से स्टार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट मोस्टली यहाँ पे करते हैं छ में, फिर यहाँ पे आके आप ओ बड़ी ओ में ओ लगा देते हैं, कई बार तो यू तक भी लगा देते हैं। तो बड़ी ओ में ओ डब्ल्यू, ठीक है, जैसे ओ फोकस के साथ बोल रहे हैं हम, तो ओ डब्ल्यू आ आ, तो इसमें एन का यूज करेंगे हम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों अगर आपने इस चैनल पे नया विजिट किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना। सो थैंक यू।